तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आपके लेके आया हूं मैं मारुति सिलेरियो 2022। तो गाइस, हमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं भाई, दिवाली पे हम कौन सी कार ले। तो आपके लिए जो बेस्ट कार रहने वाली है, मेरे हिसाब से मारुति सिलेरियो रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो प्राइस रेंज की, जो प्राइस रहने वाला है वो आपको 5,25,000 से लेके 7 लाख के अराउंड आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो माइलेज की, जिसमें आपको 26 किलोमीटर पर लीटर का वो माइलेज देखने को मिलती है। गाइस 26 की माइलेज आपको देखने को मिलती है। तो गाइस, आप में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आप कहीं पेड प्रमोशन तो नहीं कर रहे हो। तो गाइस, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं होने वाली, ये मैं आपको जस्ट अपनी तरफ से आपको राय दे रहा हूँ कि अगर आप 5 से लेकर 7 लाख के बीच में कोई कार लेने सोच रहे हो, आप चाहे सबसे बेस्ट कार सिलेरियो रहने वाली है। अब मैं आपको इसी बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ इंजन की, इसमें आपको 998 cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ पावर की, इसमें आपको 65.71 bhp @5,500 rpm के वो पावर देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूँ मैं टॉर्क की, इसमें आपको 89 Nm @3,500 rpm की आपको टॉर्क देखने को मिलती है। और गाइस, वहीं अगर मैं बात करूँ इसमें बूट स्पेस, इसमें आपको 313 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलता है। उसके लिए देखते हो गाइस, काफ़ी बड़ी बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है इस बजट की कार में। और गाइस, इस कार में आपको अलॉय व्हील्स भी ऑफर किए जाते हैं। इसमें आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है, एंड 32 लीटर का वो फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाता है। एंड ओवर जो प्रोफाइल होने वाली है वो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ व्हील बेस की, इसमें आपको 2,435 mm का आपको काफ़ी अच्छा व्हील बेस देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, जो बैक साइड जो सीट है उसमें आप 60-40 हिसाब से स्प्लिट करके आप जो बूट स्पेस है उसे थोड़ा बड़ा भी करते हो। इसमें आपको कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है, वॉइस कंट्रोल के फीचर देखने को मिल जाते हैं, USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। एंड आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बेसिकली रेड कलर भी देखने को मिलता है, व्हाइट कलर भी देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, ओवरऑल जो सिलेरियो लुक होने वाली है वो आप कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको 2 एयरबैग्स आपको ऑफर किए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो गाइस, ओवरऑल मैंने आपको इसके बारे में सारा डिटेल में बता दिया। आपको एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है। आप लुक देखते हो गाइस, फ्रंट में आपको ग्रिल भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, सुजुकी का लोगो भी देखने को मिल जाता है, एंड आपको इसमें फॉग लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोफाइल होने वाली है, मुझे इसी बहुत अच्छी प्रोफाइल मुझे देखने को मिलती है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो आपको माइलेज है। तो जिन लोगों को माइलेज से रिलेटेड कार लेनी है भाई, जिन्हें माइलेज मैटर करता था, उनके लिए 26 किलोमीटर पर लीटर की काफ़ी अच्छी माइलेज आपको मिलने वाली है, वही 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में। तो मतलब ये बजट वाली कार होने वाली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करिए जरूर बताइए, और किसी और कार के बारे में आपको जानना है उसके लिए मुझे कमेंट करिए जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।